पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाकर अलग अलग राज्यों में अपने जनाधार को बढ़ा रही आम आदमी पार्टी के हाथ एक और उपलब्धि हासिल हुई है। पार्टी को अब राष्ट्रीय दल होने का गौरव प्राप्त हो चुका है, जिससे कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का भी दावा किया है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होने पर भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए ढोल नगाड़ों की थाप जमकर थिर गए। 10 सालों में ही पार्टी को मिली बड़ी कामयाबी पर प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल के नेतृत्व में पदयात्रा भी निकाली गई। ये यात्रा इंद्रपुरी से शुरू होकर जेके रोड पर जाकर खत्म हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान राजनीति हालात में ईमानदारी और विकास की राजनीति करने वाली पार्टी पर जनता भरोसा कर रही है। दिल्ली पंजाब की तरह पार्टी प्रदेश में भी सरकार बनाएगी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनके नेतृत्व में हम सबने एक एक कार्यकर्ताओं ने सबने हर जगह संघर्ष किया है। आज उन्हीं की बदौलत अपने एक एक कार्यकर्ताओं के आज यहां तक इतने कम समय में पहुंची है। आप सब जानते हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इन्होंने बहुत कर किया और इतने कम समय में जनता ने आशीर्वाद दिया कि राष्ट्रीय पार्टी बनी। आने वाला दिन भी विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को चुनेगी और हम सब एक एक कार्यकर्ता मिलकर संघर्ष करेंगे और आगे और ऊंचाइयों तक जाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।